पाकिस्तान में ट्रैवल किया हुआ है ना, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि औरत को इज्जत और आजादी नहीं मिल रहा वहाँ पे। हर जगह लड़कियाँ काम कर रहे थे, मैकडोनल्ड काम कर रहे थे, बैंक में, हॉस्पिटल, बिल्कुल आजादी था। तो फिर मुझे समझ नहीं आ रहे कौन सी आजादी है भाई, कौन सी आजादी है जो आपको चाहिए, नंगा फिरने की आजादी चाहिए, यूरोपीय बनना है, लिबरल, मॉडर्न। वाजिब, आप शायद बोल रहे हैं कि आप एक इस्लामिक कंट्री से हो। मेरी मर्जी तो फिर कौन सा चेहरा, पाकिस्तान का चेहरा क्यों आप बता दें, आप पूरी दुनिया का चेहरा फेस सामने लाए ना। वहाँ तो हर दफ्तर में, हर गली में, हर चौक में, हर पार्क में रैप भी हो रहा है और औरत के तकद्दस को पामाल भी किया जा रहा है। यहाँ तो कहा जा रहा है कि औरत को नहीं माँ की तरह दे, उधर तो किसी को पता है, वहाँ तो औरत बच्चे पैदा करने के बाद किसी के निकाह में आती है, उसको तो उससे उनके बच्चों की वल्दियत पूछे तो वो बताने से कासर है। अमार, मैं अपनी बहन को कहता हूँ कि आप हिजाब पहने, ये मेरा राइट है कि मैं उसको कह सकता हूँ। आपका राइट नहीं है ना, ये आपका राइट किस तरह कि आप अपनी बहन को ये कहें कि वो हिजाब पहने या वो जीन्स ना पहने या वो आपके लिए जो है आपकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारे। मैं तो कहूंगा। तो ये फिर आपकी सोच को बदलने की जरूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट मेहराब हबीब और आप देख रहे हैं टी4 तमाशा। इस समय मैं मौजूद हूँ वाकेंट में ही अपने शहर में और इस्लामाबाद में डी चौक में, जो औरत मार्च के हवाले से जो वहाँ पर बेहयाई फैलाई गई, जो प्ले कार्ड्स उठाए गए थे, आपने आम लोगों के रिव्यू तो देखा होगा कि ये जायज़ है ना जायज़ है, इसको ऐसे होना चाहिए, इसको वैसा होना चाहिए। अपनी तरफ से जो जिसके मुंह में आ रहा था वो फतवा दे रहा था और गुंजाइश निकाल रहा था। हमारे उलमा क्या कहते हैं, हमारा कुरान क्या कहता है, अहदीस क्या कहती हैं, तो इसकी रोशनी में कुछ बातें सुने और हमारी खवातीन जो मेरा जिसम मेरी मर्ज़ी की हिमायत करती हैं, इस नारे में अपना हिस्सा मिलाती हैं, उनको ये बातें बहुत सख्त लगेंगी, बहुत कड़वी लगेंगी, लेकिन हैं ये सच्ची, क्योंकि ये कुरान और हदीस है। आइए अपनी चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम सर, कैसे आप, ठीक हैं? अल्लाह के करम। थैंक यू सो मच, आपने टी4 तमाशा को टाइम दिया। मेरा क्वेश्चन है, हमारी औरतें दफातर के अंदर काम करती हैं, मेहनत मजदूरी करती हैं, यतीम बच्चे होते हैं उनके पेट पालने के लिए, वो फिर भी इदारजात के अंदर काम करती हैं, लेकिन वहाँ भी हमारे मर्दों से वो महफूज नहीं है। आप मोटरवे का देख लें, कैसा देख लें, या जैनब केस देख लें, क्या कहते हैं इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक तो आपका शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ लाए और इस खूबसूरत और बर्निंग इशू पर मुझे बोलने के लिए दावत दी है। मैं इतना कहना चाहूँगा कि इस्लाम ने कभी भी औरत को किसी डरबे में बंद करने की कोशिश नहीं की। आपके सामने बड़ी वाज़े मिसालें हैं कि मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम के दौरे पाक में औरतों ने ज़ख्मियों को पानी पिलाए हैं, उनकी मरम पट्टी की है, और मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम के हर सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल के वक्त 9 अज़वाज मुतहरात बकायदे याद थी, और आपने ज़िंदगी में मुतअद्दिद सफ़र किए हैं, जिहाद के लिए किए हैं, तिजारत के लिए किए हैं, दीगर मकासद के लिए किए हैं, तो आपके हर सफ़र में कुरा अंदाजी के ज़रिए किसी न किसी जोजे मोहतरमा को साथ ले जाया जाता था। मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन कर दूँ, तो ये जो औरतें इकट्ठी हुई इस्लामाबाद में औरत मार्च के नाम पर जो प्ले कार्ड्स उठाए गए, मेरा जिसम मेरी मर्जी, बिस्तर खुद गर्म कर लेना, खाना खुद गर्म कर लेना, इन प्ले कार्ड्स के बारे में आप क्या कहेंगे, ये कौन औरतें, कौन लोग हैं, किसके साथ? ये प्लांटेड लोग हैं, ये इस्लाम का चेहरा नहीं है, और माजरत के साथ ये पाकिस्तान का चेहरा भी नहीं है। वाहिद रियासत है मदीना के बाद जो इस्लामी नज़रिए पर मार्ज़े वजूद में आई है, उसको पाकिस्तान कहा जाता है। ये करिया इश्क मुस्तफ़ा है, इसका ये चेहरा कभी कायदे आज़म का ये चेहरा नहीं था, और डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का ये चेहरा नहीं था। डॉक्टर इकबाल तो वो है, वो कहते हैं खीरा न कर सका मुझे जलवा दानश फरंग, सुरमा है मेरी आँख का खाके मदीना व नजफ, जो पला जो पड़ा यूरोप में है और आकर कहता है कि मुझे यूरोप की चक्का चौंध और ये रोशनियाँ और ये जदीद तहजीब और ये मादर पिदर आज़ाद माहौल मेरा क्या बिगाड़ सका है। जो बंदा यूरोप में रहकर मुहम्मदी रह सकता है, मुस्तफ़वी रह सकता है, वो नज़रिया पाकिस्तान, जो नज़रिया इस्लाम पर मार्ज वजूद में आने वाली फलाई ममलिकत, इस्लामी ममलिकत, और एक अजीब सी बात है कि हम पाकिस्तान को करिया इश्क मुस्तफ़ा भी कहें, इसको इस्लामी फलाई ममलिकत भी कहें, और फिर दूसरी सूरत इसके लिए हमने जो स्लोगन दिया हुआ है वो रियासत मदीना का दे रखा है। तो रियासत मदीना का कम अज़ कम ये चेहरा नहीं है जो इस्लामाबाद के डी चौक में या कराची के कुछ चौराहों चौकों में या लाहौर के कुछ सड़कों पे नज़र आया है। इस्लाम का चेहरा तो वो है कि सैयदा खातून जन्नत फातिमा तुज़्ज़ारा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया, मेरा जनाजा भी रात को निकालना, मैं नहीं चाहती कि कम अज़ कम किसी गैर महरम की नज़र मेरी जनाजे की चरपाई पर भी पड़े। और मेरे आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने जिनका आँचल ना देखा माहो मेर ने उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम, वो तो इतनी तकद्दस माफ थी जिनकी तकद्दस की कसमें अल्लाह के फरिश्ते उठाते थे। मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ना जिस्म तेरा ना मर्जी तेरी,
इसलिए कि ये जिस्म है ही अल्लाह ताला का और इस पर मर्जी भी अल्लाह ताला की। सिर्फ एक बात मैं आपसे कहूँगा कि ये मेरे हाथ में पेन है, ये मैंने एक दुकान से ख़रीदा है, अगर मैं चाहूँ तो इसको तोड़ दूँ, इसलिए कि ये मेरा है, मुझे कुछ पूछ नहीं सकता। जबकि अगर ये इंसान का बदन अगर उसकी मर्जी है तो फिर इसकी खुदकुशी पे, इसको कत्ल करने पे दायमी जहन्नुम का अजाब क्यों है? ये जिस्म भी अल्लाह ताला का है, मर्जी भी अल्लाह ताला की है, और अल्लाह ताला ने हमें बेरब्त पैदा नहीं किया। अल्लाह ताला ने मुझे और आपको जो पैदा किया वो अपने कवानीन के तहत पैदा किया, अपने उसूलों के तहत पैदा किया। तुम्हारा जिस्म तुम्हारी मर्जी है ना, आपके जिस्म से कोई जो है आपकी इजाज़त के बगैर नहीं छेड़ सकता। खामद जो है, खामद के लिए आपका जिस्म, मर्द औरत एक दूसरे के लिए, वो उनके जिस्म जैसे खेती है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप खामद से, खामद को जनाब वाला अलाउ ही ना करें, खामद को ये कहना कि बच्चे तुम्हारे पैदा, मैं जिसके चाहूँ पैदा करूँ, तो इसका क्या मतलब है? इससे हम क्या माना अखज़ कर सकते हैं कि मैं जिसके चाहूँ बच्चे पैदा करूँ, जब चाहूँ पैदा करूँ, जितने चाहूँ पैदा करूँ? तो ये असल में अल्लाह के दीन के साथ खुली जंग है, और ये बदबخت लोगों का टोला है जो गैरों के टुकड़ों पर मुल्क के पाकिस्तान में इंतशार फैला रहा है। हम जो औरतें हैं ना, अब आजकल की सदी की, हम तो ये लल्लो जरूर चलाएंगे, और ना सिर्फ इस लल्लो को चलाएंगे बल्कि अपनी जबान भी चलाएंगे, अपना दिमाग भी चलाएंगे और अपनी सोच भी चलाएंगे। और वो हम इसलिए चलाएंगे क्योंकि हमने ठेका नहीं लेके रखा हुआ इन बड़े बड़े पले पलाए जो है मर्दों को बच्चा बना के उनकी माओ बनने का। हम माएँ बनने के लिए यहाँ पे नहीं आई, हमें किसी आदमी की माँ नहीं बनना कि हम उसे खाना भी पका के दें, वो घर में बेचारा आए कमा के तो उसके जूते भी सीधे हों और उसके लिए तवा भी चढ़ा हुआ हो। सॉरी, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। औरत को बहसीयत है, औरत वो आए अपने तकद्दस के साथ आए, अपनी सज दज के साथ आए, कोई नहीं रोकता। अपनी हदों से वो आगे ना जाए, और मैं मर्दों से भी कहूँगा कि अपनी हदूद को वो ना फैलाएं। लेकिन माजरत के साथ, जब औरत इस रूप में आएगी तो आप किस मर्द को रोक पाएंगे कि इनकी तरफ नहीं जाना? ये एक सवालिया निशान है कि औरत इस रूप में आकर, तो ये तो माचिस की तीली, ये तो गिरे हुए पेट्रोल की तरफ करने वाली बात है। ये कि आप कैसा करते हैं, ये रूप दिखाएंगी तो मर्द पीछे रहेंगे, वो दो कदम पीछे रहेंगे। मर्द को कहा गया कि नज़र नीची कर, लेकिन कम से कम जो अपने आप को संभाल के गुजरती हो उसके लिए है ना। तो जो आप सब कुछ मादर पिदर आज़ाद होकर सबके सामने आ जाए, उसमें आप मर्दों को किस तरह रोकेंगे, किस मर्द को रोकेंगे? जाहिलों का टोला है ये, बदबخت लोग हैं ये, अग्यार के बनाए हुए मोरे हैं जो मुल्क के पाकिस्तान के इस्लामी इस निज़ाम और इस्लाम के साथ मोहब्बत रखने वाले इस मुल्क के बाशिंदों को और सादा लोग, औरतों और मुसलमानों को गुमराह करने की एक नापाक साजिश है। और ये वो लोग हैं कि जो मैं समझता हूँ कि इन्हें ना शऊर है, ना अकल है, ना फहम है, ना इदराक है। अगर अकल होती तो ये कभी इस तरह की बात ना करते, किसी सूरत में भी ये इस तरह का स्लोगन ना देते, इस तरह का नारा ना देते, इस तरह की ये आवाज़ बुलंद ना करते। अब मुझे बताएं आप कि एक बंदा कहता है मैं आधी नहीं हूँ, पूरी हूँ, तो आधा तो इनकी गवाही वो जो अल्लाह ने कुरान में और इसी तरह सूरह निसा के अंदर जो अल्लाह कहता है यूसीकुमुल्लाह फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सैयैन, तो अल्लाह ने जो हक इनके लिए रखा है कहते हैं नहीं बढ़ाएं हमें मुसावी, और जहाँ इन्हें मुश्किल पेश आए, जहाँ काम करने की बात आए, वहाँ ये कहती हैं हम औरतें, हम तो इन्हें सिनफ़ नाजुक समझते हैं, हम तो इनके लिए जो है वो जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी तकरीम हमारे यहाँ, तो ये आ जाएं तो हम सीट इन्हें पेश करते हैं। यहाँ पर हमारे काफ़ी सारे टीवी एक्टर ने इसको डिफेंड भी किया, जिस तरह के खलीलुर्रहमान कमर साहब का जिक्र करूँगा, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? खलीलुर्रहमान कमर साहब ने एक रियल तमाचा मारा है उन तमाम लिबरल आंटियों को कि जो नंग धड़ंग आधे जिस्म को लेकर टीवी चैनल्स पे बैठती हैं, ना उनका कोई मुंह, ना उनका कोई चेहरा, और ऐसी किस्म की औरतों को खरीद कर उनके ऊपर फंडिंग करके उनको हमारी टीवी चैनल्स के ऊपर बिठाना, और ऐसे वाहियात किस्म के अल्फाज उनको सामने बिठाना, और फिर उन लिबरल आंटियों के सामने फिर हमारे मजहबी लोगों को बिठाना, और फिर ऐसे ऐसे गलीज किस्म के अल्फाज उनके साथ निकलवाना, ये इस्लाम की एक तोहीन हो रही है, और इसमें हमारे मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है जो गलीज तरीन एक जो मगरबी तहजीब है उसको फ़रोग देने की कोशिश कर। कुछ को हिस्सा नहीं है, ये सारा उन्हीं का हिस्सा है, ये हमारा चेहरा नहीं है। खुदा के लिए आप लोगों को बताएं, आप मीडिया वाले लोग जिस हद तक हैं उनको बताएं कि ये इस्लाम का चेहरा नहीं है, ये वो मकरू चेहरा है जो इस्लाम पर सिर्फ टारगेट करने के लिए आए हैं, जिन्होंने माजरत के साथ
बानी इस्लाम और उम्महातुल मोमिनीन को टारगेट किया है, वो इस्लाम का चेहरा आप कहते हैं जिसने सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु की सिद्दीका बेटी को टारगेट किया हो, या जिसने आका करीम अलैहिस्सलाम की जात को ढके छुपे लफ्जों में, वहाँ तो इशारतन किनायतन गुस्ताखी भी काबिले बर्दाश्त नहीं है। हुकूमत से आखिर क्या पैगाम करेंगे? हुकूमत वक्त से ये अपील है कि ये जो मार्च हुआ है इसके अंदर कुछ ऐसी अजीम शख्सियात की तौहीन की गई है, जिस तरह सैयदा कायनात हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की भी तौहीन की गई है। इस पूरे मार्च को आर्गनाइज़ करने वाले, इस मार्च के अंदर शामिल होने वाले उन तमाम लोग के जो इन नाज़ेबा कलिमात के अंदर पाए गए हैं, मुलव्वस पाए गए हैं, और जिन्होंने हमारी मजहबी शख्सियात जो हमारी जानों से अजीज़ हैं उनकी तौहीन की है, उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए, और आज के बाद हर किस्म के हर किस्म का वो मार्च जो इस्लाम के उसूलों से टकराता है उसके मुकम्मल तौर पे बायकॉट किया जाए। तो जी उम्मीद करता हूँ आज की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको पसंद आई होगी। रब करीम से दुआ है अल्लाह करीम हमारी खवातीन की इज्जत वकार उनका हुस्न सलामत रखे, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।